क्लास 5 लेसन 2 पोलाइटनेस ऑफ द किंग। आज हम लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं पोलाइटनेस ऑफ द किंग। क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट पोलाइटनेस देन पोलाइटनेस इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ गुड मैनर्स। हम गुड मैनर्स की बात करते हैं तो पोलाइटनेस जो है वो गुड मैनर्स का एक प्रैक्टिकल वे है। पोलाइटनेस है क्या? तो पोलाइटनेस जो है वो है एक अच्छा, एक गुड बिहेवियर फॉर ऑल, एक गुड बिहेवियर टू ऑल, कि सभी का, सभी के साथ एक ऐसा बिहेव करना, वही पोलाइटनेस है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन पोलाइटनेस ऑफ द किंग, एक राजा के पोलाइटनेस। गुड वर्ड्स डिफाइन अ पर्सन इन पॉजिटिव वे, वेयर एज बैड और रूड वर्ड्स डिफाइन अ पर्सन इन नेगेटिव वे। एक गुड वर्ड, एक अच्छे शब्द एक ऐसे पर्सन के पॉजिटिव वे को शो करता है, सकारात्मक को। वहीं जो बैड और रूड बिहेव है, जो कठोर शब्द हैं, वो डिफाइन करता है कि पर्सन जो है वो नेगेटिव वे में है, नकारात्मक सोच। वन शुड बी पोलाइट एंड जेंटल एंड स्पीक ओनली स्वीट वर्ड्स टू प्लीज समवन। एक व्यक्ति को पोलाइट और जेंटल होना चाहिए। स्पीक ओनली स्वीट वर्ड, केवल मीठे शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए टू प्लीज समवन, दूसरे को खुश देखने के लिए, दूसरे को, दूसरे की खुशी के लिए कैसे शब्द प्रयोग करने चाहिए, जेंटल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेप्टनेस है, एक सकारात्मक सोच है, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वी मस्ट लर्न टू टॉक पोलाइटली एंड सॉफ्टली टू एल्डर्स। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें अवश्य पोलाइटली और सॉफ्टली वर्ड का यूज ही एल्डर के साथ करना चाहिए, बड़े के साथ करना चाहिए। वन स्वीट वर्ड शो आवर अफेक्शन, एक मीठे शब्द हमारे अफेक्शन को शो करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। एंड रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो मेक अस पॉपुलर, और वो हमारे रिस्पेक्टनेस को शो करता है और वही हमें पॉपुलर भी बनाता है। वी शुड ऑफन यूज टू वर्ड लाइक थैंक यू प्लीज एंड सॉरी। हमें अक्सर जो है इन तीन वर्ड का यूज़ करना चाहिए, थैंक यू प्लीज एंड सॉरी। दीज वर्ड्स आर मैजिक वर्ड, ये वर्ड मैजिक वर्ड है। दीज वर्ड्स आर मैजिक वर्ड, स्पीकिंग हार्श वर्ड विल लीड टू लेस वेल। अगर आप कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके जो हैं फ्रेंड्स वो और कम होते जाएंगे। इफ़ यू स्पीक हार्श वर्ड टू एनीवन, अगर हम किसी के साथ गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, बुरे शब्द का प्रयोग करते हैं, द पर्सन वुड नॉट फॉरगेट एंड डिसलाइक अस, तो वो पर्सन को वो बात याद रहती है कि इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था और वो कभी उस चीज़ को भूलता नहीं है। वर्ड्स वंस ऑफ स्पोकन कैन नेवर बी टेकन बैक। शब्द एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर शब्द मुँह से निकल गया तो उसको फिर दोबारा हम बैक वापस हम नहीं लिख ले सकते हैं। एवरी वन हेट्स रूडनेस, हर कोई रूडनेस को हेट करता है, नफरत करता है। वी शुड नेवर बोस्ट और टॉक रूडली, हमें किसी के साथ, हमें कभी बोस्ट नहीं करना चाहिए, मीन्स हमें किसी भी एंगल में किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, किसी से रूडली तरीके से टॉक नहीं करना चाहिए। इफ वी विल बी पोलाइट टू एवरी वन, यदि हम हर किसी के साथ पोलाइट रहते हैं, इट मेक अस पीसफुल, तो ये हमें शांति प्रदान करता है। एंड वी विन रिस्पेक्ट एंड लव ऑफ अदर ऑल्सो, तो ये हमारा जो बिहेवियर है, एक पोलाइटनेस का जो बिहेवियर है, वो सभी के लिए हमारे प्रति एक रिस्पेक्टनेस की भावना को जो है वो बढ़ाता है। इट डज नॉट कॉस्ट अस एनीथिंग टू बी पोलाइट, पोलाइटनेस के लिए कोई कॉस्ट नहीं है। इनस्टेड इट इनरिचेस अवर पर्सनैलिटी, ये हमारे पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है, एनरिच करता है। तो हमें सभी के प्रति जो है वो कैसा होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए। सो वी शुड बी पोलाइट एंड कंसीडर टूवर्ड्स एवरीवन, एवरीवन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेम रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। देखो एक बच्चों, एक बात और है कि हर कोई जो है वो एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को ही एक्सेप्ट करना चाहता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ अगर कोई अच्छा बर्ताव करे, तो वो सामने वाला भी यही चाह रहा है कि हमारे साथ भी वो अच्छा बर्ताव करे। तो इट मीन्स कि हर कोई जो है वो रिस्पेक्ट किसको कर रहा है, एक गुड बिहेवियर को। आवर स्वीट वर्ड एंड पोलाइट बिहेवियर विल प्रोड्यूस अदर टू डू द सेम,
तो हमारा जो स्वीट वर्ड है वो बिहेव करते हुए, यदि हम स्वीट बोलेंगे तो सामने वाला भी हमसे अच्छी तरह से बात करेगा, और अगर हम रूडली तरह से बिहेव कर रहे हैं तो सामने से भी हमें रूडनेस ही आएगी। तो इस पोलाइटनेस के क्लू को ध्यान में रखते हुए एक कहानी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ये कहानी है एक राजा की। वंस देयर वाज अ किंग, एक बार की बात है, एक राजा था। वन डे ही वेंट टू हंटिंग विद हिज मिनिस्टर, एक दिन वह हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए अपने मिनिस्टर के साथ जाता है। दे वेंट क्वाइट फार ऑफ द जंगल, और वो शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर चले जाते हैं। ऑल ऑफ देम वर एक्सहॉस्टेड एंड थर्स्टी, सारे के सारे जितने भी मंत्री हैं राजा सहित, सभी थक जाते हैं और प्यासे, प्यास भी लग चुकी होती है उन्हें। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप एंड टेक रेस्ट, तो वो तो डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर यहीं पर रुक जाएं। एवरीवन वाज लुकिंग फॉर वाटर, हर कोई को पानी की तलाश है। सून दे फाउंड टू हट एंड ओल्ड हर्मिट, तभी उन्हें एक हट दिखाई देता है जो कि एक बूढ़े हर्मिट की है, जो एक बूढ़े साधु की है। द किंग ऑर्डर वन ऑफ मिनिस्टर्स टू गो द हट एंड ब्रिंग सम वाटर, तो राजा जो है वो अपने मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर को ऑर्डर देता है कि जाओ और उस हट में से थोड़ा पानी लेकर के आओ। द मिनिस्टर वेंट इनसाइड एंड टोल्ड द हर्मिट, मिनिस्टर वहाँ हर्मिट के पास जाता है हट में और वो बोलता है, ओ यू ब्लाइंड मैन, अरे वो अंधे व्यक्ति, गिव मी सम वाटर, कुछ पानी दे दो हमें। द ओल्ड हर्मिट सेड, बट आई हैव नो वाटर, ओल्ड हर्मिट कहता है कि लेकिन मेरे पास पानी नहीं है। द मिनिस्टर रिटर्न विदाउट वाटर टू द किंग, मिनिस्टर जो है वो बिना पानी का ही राजा के पास वापस चला आता है। द किंग देन सेंट हिज मिनिस्टर अनदर मिनिस्टर, तभी वो जो है वो अपने दूसरे मंत्री को भी भेजता है, लेकिन ये भी खाली हाथ वहाँ से वापस आ जाता है और उसको भी वही जवाब मिलता है कि आई हैव नो वाटर। द किंग डिसाइडेड टू गो हिमसेल्फ, फिर वो किंग जो है डिसाइड करता है कि क्या बात है, वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा वहाँ पर अंदर में कि क्या कारण है। ही वेंट इन साइड द हट एंड सेड, वो हट के अंदर जाता है और कहता है, सर प्लीज़ गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, कहता है कि महाराज मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए पीने के लिए। इट विल बी वेरी काइंड टू यू, आपके लिए आपकी बहुत बड़ी दयालुता होगी। द ओल्ड हर्मिट सेड, ओ किंग प्लीज़ कम इन साइड एंड हैव अ मच वाटर एज यू वांट, कहता है किंग को, प्लीज़ आइए महाराज, आइए अंदर आइए और आपको जितना पानी चाहिए उतना लीजिए। यू कैन ऑल्सो टेक रेस्ट इन माई हार्ट इफ़ यू विश, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ देर आराम भी कर लीजिए मेरी झोपड़ी में। द किंग वाज सरप्राइज टू सी द हर्मिट बिहेवियर, तो किंग जो है वो इस हर्मिट के बिहेवियर को सरप्राइज हो जाता है। ही आस्क व्हाई ही रिफ्यूज्ड टू गिव वाटर हिज मिनिस्टर, तो वो उसे पूछता भी है कि आखिर क्या कारण था जो उसके मिनिस्टर को पानी देने से उन्होंने मना कर दिया। तो ओल्ड हर्मिट उसका जवाब देता है कि देयर टोन वाज हार्श एंड इम्पोलाइट, कि उसकी जो आवाज़ थी ना वो बहुत ही कठोरतापूर्ण था और इम्पोलाइट था और निर्दयी भी था। आई कुड रिकॉग्नाइज फ्रॉम योर स्वीट एंड पोलाइट वर्ड दैट यू आर अ किंग, तो मैं पहचान गया आपके मीठे शब्द से आपको कि आप एक राजा हो। दिस पावर इज द फैक्ट ऑफ दैट एवरी पर्सन इज नोन बाय स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, तो ये फैक्ट हमें बताता है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने बोलने के नज़रिए से, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग से ही पहचाना जाता है। सो वी कंडक्ट फ्रॉम द स्टोरी दैट काइंड वर्ड डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग, तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि एक अच्छे शब्द, एक काइंड वर्ड जो है किसका कोई कीमत नहीं होता। पोलाइटनेस इज ड्यूटी, पोलाइटनेस जो है वो एक ड्यूटी है, विच विल बी आव टू आवर सेल्फ एज वेल एज टू आवर नेबर, तो वो हमें हमेशा जो है संभाल के रखना चाहिए और हमें करना भी चाहिए और हमें दूसरों के साथ बर्ताव भी करना चाहिए, चाहे हम खुद हों, हमारे हमें वो बर्ताव अपने लिए करना पड़े या फिर अपने पड़ोसियों के लिए। अ पर्सन हु इज पोलाइट टू अदर्स शो ही और शी इज कल्चर, जो भी व्यक्ति में ये गुण होता है वह सभ्य समझा जाता है, सभ्य माना जाता है। अ पोलाइट मैन ऑलवेज पुट द फीलिंग्स ऑफ अदर फर्स्ट, एक पोलाइटनेस व पर्सन जो है, एक पोलाइट मैन जो है वो हमेशा दूसरों की फीलिंग को ही पहले समझेगा, वह अपने से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू देता है। ही विल नॉट से थिंग दैट विल हर्ट देम, वो हमेशा वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कहेगा जिससे कि दूसरों को हर्ट हो। तो चिल्ड्रन, ये स्टोरी का थीम यही है कि हमें अपने बिहेवियर में, हमें अपने बिहेव में पोलाइटनेस जो है वो मस्ट, हमें अपने पास पोलाइटनेस का यूज़ ज़रूर करना चाहिए और हमें हर
के प्रति एवरीवन, वी शुड पोलाइट टू ऑल एंड एवरीवन, हमें सभी के प्रति जो है वो पोलाइटनेस होना चाहिए. ओके, एंड कीक राइट द करेक्ट आंसर. विच वर्ड डिफाइन अ पर्सन इन अ नेगेटिव वे, कौन सा वर्ड पर्सन को नेगेटिव वे ले जाता है, तो बैड एंड रूड वर्ड. व्हाई वाज किंग सरप्राइज, किंग सरप्राइज क्यों होता है, टू सी द हर्मिट्स बिहेवियर. हु वेंट फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए कौन गया है, किंग. व्हाट डिड मिनिस्टर फाइंड इन द जंगल, मिनिस्टर को जंगल में क्या मिलता है, ए हैट ऑफ एंड ओल्ड हर्मिट. करेक्ट. फाइव नंबर, व्हाई डिड हर्मिट नॉट गिव वाटर टू एनी मिनिस्टर, बिकॉज दे वर इन पोलाइट एंड हार्श व्हाइल टॉकिंग टू हर्मिट. करेक्ट. गुड वर्ड्स डिफाइन अ पर्सन इन अ गुड वे, गुड वर्ड डिफाइन अ पर्सन इन ए पॉजिटिव वे. फर्स्ट नंबर में फिल किया जाएगा पॉजिटिव. सेकेंड इज, वी मस्ट लर्न टू टॉक पोलाइटली एंड सॉफ्टली टू एल्डर्स. द किंग वेंट फॉर डेज हंटिंग विद हिज मिनिस्टर. एवरी वन वॉज लुकिंग फॉर डेज वाटर. एवरी पर्सन इज नोन बाय हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. नाउ तो बच्चों, ये स्टोरी आपको ध्यान से सुनना है, उसे रिपीट करना है, उसको वंस अगेन इसको आपको रीड करना है, और इसके एक्सरसाइज वर्क को खुद से करने का कोशिश करना है, और जो आपसे नहीं होगा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. योर होमवर्क इज ए बी सी ई एंड एफ. ओके.